नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रयाल, एसोसिएट प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। छात्रों और शिक्षार्थियों, पहला जो इकाई थी एमए जीएमसी 19 और पीजीटी जीएमसी 19 के प्रथम प्रश्न पत्र एमएमसी 101 और जीएमसी 101, उसकी पहली इकाई जिसमें संचार का स्वरूप, अर्थ, प्रक्रिया, महत्व के बारे में आपको जानकारी दी गई। आज उसी प्रश्न पत्र के एमएमसी 101 के दूसरी इकाई के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जो दूसरी इकाई है उसका टाइटल है शाब्दिक और शब्देतर संचार, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सर्वप्रथम कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता चुके हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में शाब्दिक कहते हैं, शाब्दिक संचार कहते हैं, मतलब जो भी संचार हो रहा है, जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, चाहे वो लिखित में हो, वो मौखिक में हो, वो जो है आपके शाब्दिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आता है। इसमें हम पहले चलते हैं लिखित संचार। लिखित संचार का मतलब है, जिसे हम रिटन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, कि लिखित में जो संचार हो रहा है, मतलब हम लिख के जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, लिखित में हम जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लिखित में हम कोई संदेश प्रेषित कर रहे हैं, लिखित में हम जो है कोई नोट्स किसी के लिए जो है तैयार कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है, लिखित संचार से कहते हैं। वो एक पत्र के माध्यम से भी हो सकता है, जो हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो भी हम चैट करते हैं या मेल करते हैं, है ना, तो वो सारा जो है टेक्स्ट में जो भी करते हैं हम, चाहे वो एसएमएस करते हों, चाहे व्हाट्सएप पे हम चैट करते हों, मैसेंजर में चैट करते हों, मेल करते हों, या लिखित में कोई लेटर हम देते हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता और वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो लिखित संचार में आता है, जिसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा आपका मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत मौखिक संचार, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब जो भी संचार हम मौखिक करते हैं, वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है और वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, या डायरेक्ट भी हो सकता है। माना सपोज दैट मैं कहीं पर एक बहुत भारी सभा को संबोधित कर रहा हूँ, या किसी कक्षा में जो है मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारा आपका जो है मौखिक संचार में आएगा, वो आएगा आपका ओरल कम्युनिकेशन। या किसी बैठक में संबोधन कर रहा हूँ, बहुत एक बड़ी पब्लिक को संबोधित कर रहा हूँ, वो सब जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, वो आपका ओरल कम्युनिकेशन से मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। संचार भी कई तरह के होते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम इसको डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, वो यदि एक सिस्टम के अंतर्गत, एक परिधि में रहकर और एक सिस्टमेटिक ढंग से यदि संचार हो रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से यदि कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो यहाँ जो संचार होता है ऊपर से नीचे तक, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कि उच्च अधिकारी जो है अपने से नीचे वाले को निर्देश देता है, फिर दूसरे नंबर वाले तीसरे नंबर को, तीसरे नंबर वाले चौथे नंबर को, चौथे नंबर वाले पाँचवें नंबर को, इस तरह से, चाहे वो लिखित में हो या रिटर्न में हो, वो पत्रावली या फाइल के माध्यम से हो सकता है, या वो लेटर के माध्यम से हो सकता है, या वो मौखिक भी हो सकता है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल, एक फॉर्मूला, एक सेटअप है, एक सिस्टमेटिक है, उसके तहत संचार हो रहा है, उससे आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, मतलब आपको एक परिधि में रहकर जो है संवाद करना है या संचार करना है, तो आपका क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं पर भी, बिना किसी विषय को लेकर, बिना किसी बात को लेकर, कोई अननोन आदमी भी मिल जाता, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको अचानक से कोई रास्ता, आप भटक गए हैं, आपको कोई अनजान आदमी मिला, आपने उसे कहा कि भाई साहब जो है कि फलानी जगह का रास्ता कहाँ से होगा,
उसने आपको कहा कि आप इधर से चले जाइए, तो ये क्या है, वो कैसा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, न तो आप उसको जानते हैं न वो आपको जानता है, कोई विषय नहीं था, कोई पहले से माइंड में कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप जिसको लेकर आपने संवाद किया या संचार किया, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कई तरह के फिर इसमें एक अपवर्डेड कम्युनिकेशन होता है, एक इन्वर्टेड कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। अभी हमने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल दिया कि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में या सरकारी संस्थान में या किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, एक ऊपर से नीचे क्या होता है, संचार होता है, और एक नीचे से ऊपर संचार होता है। एक छोटे से कर्मचारी ने अपनी बात रिटर्न में रखी, उसने जो है अपने जो अपने से ऊपर जो अधिकारी थे उनके सामने रखी, फिर उन्होंने जो अपने से ऊपर तीसरे अधिकारी को दी, फिर चौथे को दी, फिर पांचों को दी, उसके बाद जो मेन जो हेड हैं आपके इंस्टीट्यूशन के, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनके पास आपके बात गई, फिर उनके उन पर क्या हुआ, चर्चा हुई। चर्चा के बाद उनको लगा कि ठीक है आपकी मांग उचित है, तो उन्होंने उस पर डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद आपको बुलाया, तो आपको बुलाया इसका मतलब फीडबैक हुआ है, प्रोसेस हुई है, संचार वहां तक पहुंचा है ना, तो वहां तक पहुंचा है। उसके बाद आपको बुलाया गया, आपसे फिर आपके बातें सामने सामने आपसे आपकी बातें पूछी गई, आपकी समस्या जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में आपसे जानकारी ली गई और उसका समाधान हो गया। तो ये क्या हुआ कि नीचे से ये क्या होता, अपवर्डेड, अपवर्डेड, नीचे से ऊपर की तरफ क्या हुआ, संचार हुआ, और किसके तहत हुआ, एक फॉर्मल संचार हुआ, एक फॉर्मल संचार, एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना, एक परिधि में, एक फॉर्मूला के तहत, एक साइंटिफिक, ठीक है ना। और यदि हम कहें इसी में, यदि हम इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की बात करते हैं संचार की, तो एक अधिकारी ने निर्देश दिए अपने से नीचे के अधिकारी को, ठीक है ना, कि भाई ये चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, या किसी भी चीज़ को लेकर कहा कि भाई कल जो है सब लोग जो है 10 बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हो जाएंगे, वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा किसी विशेष विषय को लेकर। तो ऊपर के अधिकारी ने अपने दूसरे अधिकारी को दिया, और दूसरे अधिकारी ने क्या किया, उसको अपने से नीचे सब लोगों को सर्कुलेट कर दिया। तो वो क्या हुआ, इन्वर्टेड कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के तहत ऊपर से नीचे की तरफ जो है संचार हुआ है। तो ये क्या है, ये सारे जो है क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आते हैं, और कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा, एक मास कम्युनिकेशन में भी ऐसी होता है, ये तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे, मास कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, और अब तो खैर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, जो आपके टेलीविजन्स हैं, है ना, या यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें क्या है कि और साइन लैंग्वेज का वो प्रयोग लोग करने लग गए हैं, जो एंकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो है साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो हमारे जो मूक बधिर होते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल बुलेटिन जो है टीवी चैनल्स जो हैं प्रसारित करते हैं। तो ऑडियो और जो वीडियो में भी जो है आपका ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, रेडियो में हो रहा है, ठीक है, प्रिंट मीडिया में, ये सब किसके हैं, ये मास कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, ये जनसंचार के टूल्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक बड़े लेवल पर हो रहा है और एक बड़े स्तर पर जो है संचार हो रहा है। मतलब जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, उसको ये पता नहीं कि जो बात कह रहा है या जो लिख रहा है या जो दिखा रहा है उसको कितने लोग सुन रहे हैं। इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको जनसंचार, ठीक है ना। तो ये आपका ये अलग अलग टूल्स के हिसाब से आपको अलग अलग इसके लिए को जो है मैसेज और इनकोड और चैनल्स आपको इसको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आपकी फिर उस तरह से डिकोडर भी उस तरह से होते हैं, कोई लिसनर होता है, कोई व्यूवर्स होता है, कोई रीडर्स होता है ना, और फिर फीडबैक भी आपको उसी तरह से उसी क्रम में जो है मिलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है और इसी ये अलग अलग तरीके इसके कम्युनिकेशन के हैं। दूसरा, अब चलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं शाब्दितर संचार या संचार के शाब्दितर घटक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वर्डलेस कम्युनिकेशन, वर्डलेस कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों से रहित संचार, ऐसा संचार जिसमें शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं है, ना तो मौखिक है और ना लिखित है, इसे कहते हैं शाब्दितर घटक। वर्डलेस मतलब ना तो इसमें शब्दों का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता है, ना तो लिखित में होता है और ना मौखिक में होता है। जैसे इसके फिर जो है 6 तरह के जो है इसको कैटेगराइज किया गया है,
जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या है? काइनेसिक्स बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज को। जो बॉडी लैंग्वेज है हमारे, जो गेस्टर्स हैं, जो बॉडी के हाव भाव से जो हम संचार करते हैं उसे काइनेसिक्स कहते हैं या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे चेहरे जो जिसे हम कहते हैं कि फेशियल इंट्रैक्शन या फेशियल रीडिंग, ठीक है ना, तो आपके चेहरे से ये पता लग जाता है कि माना सपोज आप गुस्से में हैं तो आपके चेहरे से पता लग जाएगा कि आप गुस्से में हैं, ठीक है। आप खुश हैं, आपके चेहरे से पता लग जाएगा कि आप खुश हैं, आपके चेहरे से ये पता लग जाएगा कि आप दुखी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसे फेशियल या फेस इंट्रैक्शन या फेस रीडिंग भी हम कह सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि अमुक जो व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो परेशान है, वो दुखी है, वो खुशी है, ये क्या सोच रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रकार है। न तो इसमें शब्द आ रहे हैं, न लिखित में आ रहे हैं और न मौखिक में आ रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है और दूसरे के दिल दिमाग में क्या बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये गेस्टर्स जो होते हैं हमारे, जो बॉडी लैंग्वेज है हमारे हाव भाव से ये पता लग जाता है, इससे भी हम जान सकते हैं और दूसरे को भी हम जो है क्या करते हैं कि इस एहसास करा सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो ये आपके गेस्टर्स होते हैं जो हमारे हाव भाव होते हैं। दूसरा है हैप्टिक्स। मैंने अभी कहा था आपको कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 6 तरह से होते हैं। एक होता है काइनेसिक्स, हैप्टिक्स है ना, और प्रोक्सेमिक्स और पैरालैंग्वेज, साइन लैंग्वेज और जो है आपका जो है क्रोमेटिक्स। ये 6 तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सबसे पहले इसमें आया आपका काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब बॉडी लैंग्वेज, जिसमें गेस्टर्स जो होते हैं हमारे चेहरे के शरीर के जो हाव भाव होते हैं उनसे पता लगाना है ना, उनसे उनके माध्यम से संचार करना। मैंने आपको एग्जांपल दिए सुख दुख का है ना, और आपके क्रोध का, या आप कोई सोच रहे हैं कहीं खो रखे हैं, तो सारे उसमें आ गए। दूसरा जो हैप्टिक्स है, हैप्टिक्स ग्रीक वर्ड से हैपोटिक्स से जो है ये डेरिव्ड हुआ है। हैप्टिक्स का मतलब है टच, मतलब माना सपोज दैट आप बहुत दुखी हैं और कोई व्यक्ति आया आपका सीनियर या कोई भी आया, उसने आपके पेट को थपथपाया, इस भाव से थपथपाया कि आपको लगा कि ये आदमी मेरे प्रति जो है संवेदना व्यक्त कर रहा है, मुझे सम्पैथी जो है दे रहा है, ठीक है ना। तो वो उस उनके टच करने के भाव से, उनके टच करने का जो तरीका था, उसका जो भाव था वो आप समझ गए कि इस व्यक्ति के जो भाव हैं वो क्या हैं, ये मुझे सांत्वना दे रहे हैं या मुझे सम्पैथी दे रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो वो क्या है, हैप्टिक्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके तहत आता है। माना सपोज दैट कहीं पर भी हम गले मिल रहे हैं और कहीं पर कोई बात खुशी जाहिर करना होता है या दुख जाहिर करना होता है, तो हम गले मिलते हैं और फिर इस तरह से पीछे से थपथपाते हैं, ऐसे जो है वो करते हैं कि जिससे जो है जो व्यक्ति दुखी है या जो भी हमारा मिलने का जो कारण है, जो उद्देश्य है, जो रीज़न है, उससे वो पता लगा देते हैं कि किस भाव से मुझे जो है थपथपाया जा रहा है, किस भाव से मुझे टच किया जा रहा है हाथ से। तो ये आपका जो है। तीसरा आपका जो है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स जो है ये है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस, स्पेस के आधार पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। स्पेस के आधार पर क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है और एक डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अब ये भी जो प्रॉक्सिमिक्स है, एक डिस्टेंस और स्पेस जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसको भी 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 आपका जो है पब्लिक। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक बहुत बड़ी है, ठीक है ना, जन तो बहुत बड़ा है ना। पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पर मास से मतलब है, पब्लिक का मतलब मास से है ना, मास हम कहते हैं कि जन संचार, लोक संचार, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत एक बड़ा बड़ा तबका है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर यदि हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो उसमें क्या होता है कि गैप ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दूसरा यदि मास कम्युनिकेशन यदि वो हमको करना है, जिसे हम कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन,
तो सोशल कम्युनिकेशन में जो होता है नॉन वर्बल के अंतर्गत, नॉन वर्बल के अंतर्गत प्रॉक्सिमिक्स में जो सोशल होता है कि सोशल डिस्टेंस, वो एक छोटे से समूह के बीच या एक छोटे से एक समुदाय के बीच, एक कम्युनिटी के बीच या बहुत कम लोगों के बीच भी जो है जो दूरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, उसे क्या कहते हैं, उसे वो आपका सोशल के तहत आएगा, सोशल डिस्टेंस के तहत आएगा। किसके तहत आएगा? सोशल डिस्टेंस के तहत आएगा। और ये आप आजकल देख रहे हैं कि एक विशेष एक सामाजिक दूरी बनाकर जो है कम्युनिकेशन करना, और कैसे कम्युनिकेशन करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना। तीसरा आपका आया पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, या एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों के बीच भी कर सकता है, और कैसे, नॉन वर्बल, ठीक है। वो सिंबॉलिक होगा, वो साइन के माध्यम से होगा, है ना, वो जो है हैबिटिक्स भी हो सकता है और काइनेसिक्स भी हो सकता है, ठीक है, वो साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। और नंबर चौथा आता है इंटीमेट। इंटीमेट करके, इंटीमेट करके मतलब मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया, इंटीमेट किया, और फिर उसके बाद हम आपसे संवाद कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक टीचर जो स्पेशल टीचर होता है, स्पेशल टीचर जो होता है जो स्पेशल चाइल्ड्स को जो है पढ़ाता है, तो वो एक क्या होता है, इंटीमेट करता है और बच्चों को बताकर उसके बाद उनकी क्लास ले जाती है, और एक स्पेशल साइन लैंग्वेज या जो भी है किसी एक स्पेशल लैंग्वेज की, पैरा लैंग्वेज भी कह सकते हैं उसको, साइन लैंग्वेज के तहत जो है उनको जो है पढ़ाते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के, स्पेशल टीचर्स और स्पेशल जो है स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये चार तरह के आपके जो प्रॉक्सिमिक्स जो है आपका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो टाइप है, उसके अंतर्गत भी चार तरह से डिस्टेंस को कैटेगराइज किया गया है। आपका जो चौथा आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज का मतलब है, पैरा लैंग्वेज में सब आ जाते हैं आपके, काइनेसिक्स भी आ जाता है, हैबिटिक्स भी आ जाता है, साइन लैंग्वेज भी आ जाता है ना, या सिंबॉलिक कोई कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी आ जाता है ना। तो इसमें या आपका जो गेस्टर्स हैं ये भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को गेस्टर्स कहते हैं, है ना, ये तमाम इसमें आ जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल का मतलब एक विशेष फॉर्मूला के तहत, एक विशेष परिधि के अंदर एक कम्युनिकेशन होना, एक सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन होना। और मतलब इनफॉर्मल का मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पर भी कैसे भी जो है आपसी बातचीत हो रही है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और संचार हो रहा है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। इसमें जो है लिखित में नहीं होगा, ओरल में इस तरह से होगा कि उसकी पिच अलग अलग हो सकती हैं, पिच बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। जो पिच का मतलब क्या है, माध्यम, पिच का मतलब क्या है, माध्यम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी पैरा लैंग्वेज में होती हैं। और गेस्टर्स हो गए, आपका हैबिटिक्स हो गया, आपके साइन लैंग्वेज के, सारा एक पैरा लैंग्वेज के तहत ये आता है ये। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल नहीं होता, ठीक है ना। आपका कोई काइनेसिक्स फॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना, आपका जो है आपका जो हैबिटिक्स है वो फॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो पैरा लैंग्वेज है वो फॉर्मल नहीं होगा, तो वो इनफॉर्मल होगा, ठीक है ना। आपका जो पांचवा है साइन लैंग्वेज। अब यहाँ पर हम साइन लैंग्वेज की बात करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो टूल्स है या पार्ट है वो साइन लैंग्वेज है, और जिसमें जो है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने उद्बोधन में कहा था, साल भर का जो इसको साल भर हुए हैं अभी हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो साल भर के अवसर पर जो उन्होंने अपने देश को संबोधन किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि साइन लैंग्वेज को वो एक लैंग्वेज की मान्यता देने की बात हो रही है, और साइन लैंग्वेज उन बच्चों के लिए जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, जो न तो सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपयोगी होती है यदि इस भाषा को मान्यता नए एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है नेशनल की, राष्ट्र की, उसमें इसकी इसको शामिल किया जाता है। तो साइन लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का,
है ना। बट जैसे क्या है, जैसे हम जो है क्या करते हैं, हाई करते हैं, हेलो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने का भी तरीका अलग अलग होता है, किस तरह से हाथ मिलाना है उसमें भी अलग अलग जो है भाव जो है प्रकट होते हैं, ठीक है ना। हमने जैसे हम बाय करते हैं, हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो भी हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जो व्हाट्सअप हैं या आपके फेसबुक हैं, इमोजी आ गए हैं और वो अलग अलग क्या करते हैं, वो भी संदेश, वो भी क्या संचार करने का काम करते हैं। हमने हमने जो है इस तरह से एक करके जो है कोई सिंबल, कोई इमोजी भेजी है, इसका मतलब क्या कि डन, अच्छा है ना। तो ये अलग अलग जो ये सिंबल्स हैं, इमोजी जो हैं, ये भी सब जो हैं क्या करते हैं, हमारे संचार की प्रक्रिया में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और खासकर किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो साइन लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण टूल्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आपका जो छठा है क्रोनेमिक्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो छठवा जो टाइप है वो है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब क्या है कि द कम्युनिकेशन विद इन लिमिट, एक विद इन लिमिट में टाइम ड्यूरेशन के तहत जो है क्या होना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना है। एक स्पेशल टाइम है, टाइमिंग है, एक ड्यूरेशन है जिसमें जो है आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है, एक समय अवधि के तहत। हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल जो टाइम होगा, एक फिक्स टाइम होगा कि इतने समय या इतने समय के अंतराल क्या है कि आपको जो है अपनी बात जो है रिसीवर तक पहुंचानी है। यदि नहीं पहुंचेगी, नहीं आप उस टाइम को यदि आप फुलफिल नहीं करते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, रिसीवर तक आपकी बात नहीं पहुँच पाएगी जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, छह तरह के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसे हिंदी में शाब्दिक संचार और शब्देतर संचार कहते हैं। दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें, शब्देतर संचार को संचार के शब्देतर घटक भी कहते हैं, इस पर कन्फ्यूजन मत होइए। घटक का मतलब क्या है, शब्देतर घटक मतलब जो टूल्स हैं, जो माध्यम हैं, किसके किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ठीक है ना, उनको घटक कहा गया है। और ये कहा, ये अभी मैंने आपको छह तरह के जो घटक जो हैं इसके बताए हैं आपको शब्देतर संचार के, है ना। सबसे पहले काइनेस्टिक, काइनेसिक्स हो गया, आपका होपिटिक्स हो गया, आपका प्रोसेमिक्स हो गया, आपका पैरा लैंग्वेज हो गया, आपका साइन लैंग्वेज हो गया, और आपका क्रोनेसिक्स हो गया। छह तरह के आपके जो है घटक हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। वर्बल कम्युनिकेशन आप समझ गए हैं, शब्दों के माध्यम से संचार, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, अपवर्डेड हो इनवर्टेड हो, कम्युनिकेशन हो या मास कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना। फिर उसके अलग अलग टूल्स हो जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप समझ गए, वर्डलेस कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का कहीं पर प्रयोग नहीं है, ना तो लिखित में है ना मौखिक में है, वो आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो घटक हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए, बॉडी लैंग्वेज जिसे गेस्टर्स कहते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज हो गया, पैरा लैंग्वेज हो गया, हैप्टिक्स हो गया, क्रोनेसिक्स हो गया, है ना, प्रॉक्सिमिक्स हो गया, ये सारे जो हैं अलग अलग घटक हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो आज आपका जो लेक्चर है, जो ये इकाई, दूसरी इकाई है, ये पूरी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, और जो है कि, और फिर हम आगे अगले यूनिट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।